नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिनव तुषांशु पांडे और आप सभी का स्वागत है अभिषा की पूरी टीम की तरफ से। हम क्या कर रहे हैं, हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इस परीक्षा की तैयारी में अभिषा की ओर से सीजी बोर्ड का एग्जाम सीरीज चलाया जा रहा है। यदि आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आपको मिशन 2023 दिखाई देगा। हम बात किस बारे में कर रहे थे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। ये जो है यूनिट नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 है और यहाँ पर जो है हम लोग पाँच अंक के प्रश्नों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। यहाँ देखिए कि पहला प्रश्न हम लोगों ने देखा जो 2020 में पूछा गया था और यहाँ पर जो है हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित किया और उसके बाद में अक्षय स्थिति के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी निकाली। अब जो है अगला हमारा प्रश्न है वो क्या है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। ये देखिए फिर से 2022 का प्रश्न है, इससे पहले हम लोगों ने कब का प्रश्न देखा था, 2020 का, मतलब ये रिपीट होने वाला प्रश्न है। और यहाँ पर 2022 में क्या बोला है, यहाँ पर जो है आपसे फिर से बोला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परिभाषित कीजिए, तो आप बी बराबर एफ बटा एम लिखेंगे। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एफ क्या है, चुंबकीय बल, और एम क्या है, किसी एकांक उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता। इसके बाद में जो है हम इसका एसआई मात्रक लिखते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है टेस्ला और इसे वेबर प्रति वर्ग मीटर से भी जो है हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अब एक दंड चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में, पिछली बार हम लोगों ने जो देखा था वो क्या था, देखिए हम लोगों ने इसे अक्षीय स्थिति में देखा था। अब निरक्षीय स्थिति मतलब इनका जो समद्विभाजक रेखा है, लंब समद्विभाजक जो रेखा है उस पर किसी बिंदु पर जो है हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। आप अगर जो है हमारा पहला अध्याय पढ़ चुके हैं ध्यान से, तो जो डेरिवेशन आपको विद्युत द्विध्रुव के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने का तो होता था, बल्ब वही रिपीट करना है, आपको कूलम का नियम ही लगाना है और बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर फिर जो है चलिए पेन कॉपी निकालिए और बिल्कुल तैयार हो जाइए। ये हमारा चुंबकीय द्विध्रुव है, यहाँ पर हम लोगों ने उत्तरी और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव लिया। अब इसका लंब समद्विभाजक जो है हमारे पास में ये आ गया और यहाँ पर जो है हम इसके यहाँ पर शून्य जो है इसका जो है मध्य बिंदु लेते हैं। अब यहाँ से हमारे पास में एक पॉइंट पी आ जाता है जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। यहाँ पर जो है हम मान लेते हैं कि ये जो दूरी है, इसकी जो कुल लंबाई है चुंबक की, वो 2x है और इसलिए जो है ये वाली लंबाई भी हमारे पास में x आती है और ये वाली लंबाई भी हमारे पास में x आती है। अब इसके बाद में हमको ये y अक्ष पर जो है इसकी दूरी मान लेते हैं कि ये y है और इसके बाद में जो है हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए कूलम्ब का नियम लगाना है। तो यहाँ से एक सीधी रेखा आएगी और ये चुंबकीय क्षेत्र B1 को प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार से यहाँ से एक सीधी रेखा यहाँ आएगी और ये चुंबकीय क्षेत्र B2 को प्रदर्शित करेगा। हमें पता है कि यह यहाँ पर जो है हम एकांक उत्तरीय ध्रुव को रखेंगे तो इस कारण जो है यहाँ पर समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विपरीत ध्रुवों में आकर्षण बल दिखाई देगा। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी दिखाई देगी। अच्छा, यहाँ पर जो है चुंबकीय बल, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में हम एक बार फिर से बात कर लें, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पी, इसका जो है मान होता है 2ml, जहाँ ये L जो है इन दोनों के बीच की दूरी, 2L जो है इनके बीच की दूरी और ध्रुवों के बीच की दूरी, और M जो है उसका ध्रुव प्राबल्य है। इसको हम यहाँ पर इस उदाहरण के लिए 2XM भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया। अब ये ध्रुव प्राबल्य की दूरी क्या होती है, तो ये दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जो है इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है सदिश राशि है वो उस तरीके से काम करेगा। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इनका जो हम मान निकालते हैं, B1 का मान निकालने के लिए हम कूलम का नियम लगाएंगे और B1 का मान हो जाएगा μ0/4π और यहाँ पर हो जाएगा m/r का वर्ग। ये r क्या है, ये r ये वाली दूरी है जो इस समकोण त्रिभुज में, ये हमारा r है, ये है x और ये है y। तो यहाँ पर जो है हम क्या देखेंगे कि r का वर्ग बराबर x का वर्ग धन y का वर्ग होता है, ठीक है। अब इसके बाद में जो है हम यहाँ पर जो है और क्या बात करेंगे, हम यहाँ पर जो है इस कोण की बात करेंगे, ये कोण थीटा, तो ये कोण थीटा जो है इस कोण थीटा के बराबर होगा। और यहाँ पर जो है ये दोनों थीटा के लिए हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर ये अंश, ये कोण जो है थीटा है, तो साइन थीटा बराबर y/r, ठीक है। और हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो है जो भी cos
भाई ये जो है जो बी है इसके जो है दो हमारे पास में क्या होंगे घटक होंगे, एक घटक हो जाएगा यहाँ पर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और दूसरा घटक हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा जो है वाई बाई आर होगा और कॉस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा बराबर एक्स बटा आर। और यहाँ पर जो है हम क्या देख रहे हैं कि ये जो एक्स है ये जो है ये वाली जो है राशि है ये x है। अब यहाँ पर जो है इसका जो b1 का cos घटक है ये यहाँ पर नजर आएगा cos थीटा 1 b1, और इसी तरीके से b2 का जो cos घटक है b2 cos थीटा ये दोनों आपस में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि जो है हम क्या देखते हैं कि इनका जो साइन घटक है वो एक दूसरे को निरस्त कर देगा कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर साइन कंपोनेंट क्योंकि विपरीत दिशा में है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए b2 का मान क्या हो गया, b2 का मान हम लेंगे b2 बराबर म्यू नॉट बाई फोर पाई और ऋण एम बटा आर का वर्ग। अब जो है क्या करेंगे कि हमको जो है कुल मिला के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए B बराबर हो जाएगा B1 धन B2 और ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई फोर पाई, ये लेने के बाद में हम देखेंगे कि M बटा R का वर्ग, ये क्योंकि जो है हमको यहाँ पर cos थीटा निकालना है तो यहाँ पर जो है दो गुणा ये हो जाएगा B, इसका मान हो जाएगा दो गुणा B cos और ये हो जाएगा थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ हम गुणा करेंगे दो का और यहाँ पर जो है हमको क्या मिलेगा भाई कॉस थीटा का मान हम लोगों ने देखा x बटा आर होता है तो x बटा आर यहाँ मिल जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए तो b का मान हो जाता है b बराबर म्यू नॉट बटा फोर पाई और यहाँ पर हो जाता है दो गुणा m गुणा x, दो गुणा m गुणा x और बटा आर की घात तीन, ये हमको दिखाई दे रहा है देखिए आर का आर की घात तीन हो गई और दो एम एक्स जो है हम लोगों ने अभी अभी निर्धारित किया है कि दो एम एक्स वो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है, तो यहाँ पर कुल मिला के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी म्यू नॉट बटा फोर पाई और यहाँ पर हो जाएगा पी एम ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बटा आर की घात तीन। अब यहाँ पर जो है हमको परिमाण मिल गया लेकिन हमारे प्रश्न ने हमसे पूछा है कि इसकी दिशा भी बताइए, तो जब भी हम दिशा देखेंगे तो हमको ये पता चलता है कि किसी भी चुंबक में जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वह दक्षिण से उत्तर की ओर होता है और यहाँ पर हम लोगों ने दक्षिण से उत्तर की ओर द्विध्रुव आघूर्ण पी एम की दिशा तो दिखा दी लेकिन हमको जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसकी विपरीत दिशा में दिखाई दे रही है, तो यही एक महत्वपूर्ण पॉइंट होगा जिसको आपको बताना पड़ेगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा की विपरीत होगी और इसका परिमाण कितना होगा पी एम बटा आर की घात तीन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई है और आप जो है अच्छी तरीके से इन चीज़ों को आत्मसात कर चुके हैं। हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं इससे जुड़े हुए प्रश्नों को बड़ी डिटेल से जो है समझते जाते हैं ताकि हमारी तैयारी हो पूरी तरीके से। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद।